जय हिंद प्यारे बच्चों, आज है 25 अप्रैल और शिफ्ट नंबर 2 का यहाँ पर क्विक एनालिसिस आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए इंडियन आर्मी जो है आंसर शीट जारी नहीं करती है, मगर क्या है पीडीए परिवार जो है बहुत सारा मेहनत करके सामने मेरे यहाँ पर योगेश सर की टीम, वहाँ पर कॉलेज के सामने जो है कल्याण सर की टीम जो है काफ़ी मेहनत कर, शुभम सर की टीम जो है काफ़ी मेहनत करते हुए जो सारे प्रश्न भेजती है, जिससे आपको ये मेरिट लिस्ट पता लग जाए कि हाँ मैं आगे रिटन टेस्ट पास कर पाऊंगा, फिजिकल में जा पाऊंगा या फिजिकल से आगे जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो वहाँ पे ये एनालिसिस आपको बहुत सारी मदद करता है और उन बच्चों के लिए भी ज़्यादा सहायक है जिनकी एग्जामिनेशन आ रही। इसमें से आपको जितने भी यहाँ पर 50 प्रश्न हैं, इसमें से 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं, मतलब मैक्सिमम 4 मतलब मिनिमम जो है 4 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन तक रिपीट हुए हैं, तो ये बहुत सारा एनालिसिस उनके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हम यहाँ पर जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन था, शुभमन गिल किस खेल से संबंधित है, तो प्यारे बच्चों जो है कोई भी मुझे बच्चा गलत नहीं इसका आंसर करेगा, मुझे इतना यकीन है। +2 यहाँ पर आपने स्कोर कर लिया है आपका। बढ़ते हम यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो कि भारत की, जो भारत के में आती है, जो भारत पर भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर आती है, तो वह हिमालय पर्वत माला है, बिल्कुल ही सही जवाब है। और सबसे ऊंचा जो है माउंट एवरेस्ट, आप सभी को पता है 8,850 मीटर या 8,848 जो होगा। पढ़ते हैं हम यहाँ पर 3रे नंबर प्रश्न की तरफ। विष्णुदेव साय, ये देखिए रिपीट हो रहा है बार बार कि विष्णुदेव साय 2023 में, दिसंबर 2023 में कहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे। देखिए बोनस मार्क्स आपको ऐसे ही दे दिया आर्मी ने, 6 मार्क्स यहाँ पर आपने अभी तक गेन कर चुके हैं। पढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर बरेली में 1857 की क्रांति को जो है किसने नेतृत्व किया था, तो खान बहादुर साहब ने जो है इसका नेतृत्व किया था। बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र सरकार, किस केंद्र प्रशासित जो प्रदेश में लिंगानुपात जो है वह 2रे नंबर पर है, तो लक्षद्वीप जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। जितने प्यारे बच्चों ने लक्षद्वीप लगाया होगा डेफिनेटली उनका जो है आंसर यहां पर सही गया है। बढ़ते हम यहां पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहां पर हिमान और मयान किस धर्म से संबंध रखते हैं, हिमान और मयान तो यहां पर बौद्ध धर्म से रखते हैं। जितने प्यारे बच्चों ने यहां पर हिमान और मयान को यहां पर टिक किया होगा डेफिनेटली उनको यहां पर 2 मार्क्स यहां पर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आंग्लो और मराठा किस संधि के हस्ताक्षर किया था, तो यहां पर सालवाई संधि बिल्कुल ही सही जवाब होगा, सालवाई संधि के ऊपर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। 2 मार्क्स आपको अगेन मिल चुके हैं। बढ़ते हम यहां पर 8वें प्रश्न की तरफ। किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि धर्म जाति के ऊपर जो है, जो धर्म जाति के ऊपर टिप्पणी नहीं की मतलब करना है, तो वह जो है अनुच्छेद 16 है, यानी कि अनुच्छेद 16 या 15 जो है मौलिक अधिकारों का यहाँ पर क्या होता है, हनन होता है। मौलिक अधिकारों का क्या होता है, हनन होता है। चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर 2024 में विकलांगों को वोटिंग डालने के लिए घर बैठकर कितने वर्ष तक जो है वर्ष रखा गया है, तो 80 वर्ष जिन बच्चों ने लगाया होगा डेफिनेटली उनका जो है आंसर सही हो गया है। बढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो गुलामगिरी ज्योतिराव फूले बिल्कुल ही सही जवाब है, ज्योतिबा फूले या ज्योतिराव फूले एक ही बात है। बढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न के लिए। यहाँ पर तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास जो है किस सेना से संबंध रखता है, तो वह बिल्कुल प्यारे बच्चों आपने बिल्कुल सही लगाया है, वायुसेना। यहाँ पर आपको 2 अंक जो है बोनस के रूप में प्राप्त हो गए। पढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट। अक्षांश व्रत का नाम क्या है, तो वहाँ पर व्रत रेखा, बिल्कुल जिन बच्चों ने व्रत रेखा लगाया है उनका डेफिनेटली यहाँ पर स्कोर जो 2 उनके इसमें भी व्रत बढ़ चुके हैं। चलिए 13 नंबर का प्रश्न। सिख धर्म में कौन सा त्यौहार बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वह दीपावली है, बिल्कुल जिन बच्चों ने यहाँ पर दीपावली को टिक किया है डेफिनेटली उनका जो 2 मार्क्स यहाँ पर बोनस के रूप में प्राप्त हो गए हैं। अनुच्छेद 17 क्या है, तो यहाँ अस्पृश्यता का अंत है, अनटचेबिलिटी का जो है यहाँ पर अंत हो गया है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। बढ़ते हैं हम यहाँ पर, हमें 14 प्रश्न प्राप्त हुए थे, 1 प्रश्न जो है हमसे मिसिंग हो गया है। यदि आपको यदि उस प्रश्न का प्रश्न आता है तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि आपकी और जो एग्जामिनेशन जो आंसर की ढूंढने आए हैं उन्हें भी यहाँ पर वो क्वेश्चन मिल जाएगा। पढ़ते हैं साइंस के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर खाना पकाने के समय में जो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो वह विटामिन सी है प्यारे बच्चों। जिन बच्चों ने विटामिन सी लगाया है डेफिनेटली जो है उन्हें 2 मार्क्स मिल जाएंगे।
जल से कौन सा जो रोग होता है, तो दूसरी जल से यहाँ पर टाइफाइड भी आया था, हैजा आया था। यदि जिस बच्चे ने हैजा लगाया है वह सही होगा। यहाँ पर टाइफाइड जो है यहाँ पर हम कट करते थे, हालांकि ये भी पानी से होता है, बट ये तो केवल पानी से ही होता है, दैट्स वाई हैजा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है, जिस जंतु में निषेचन होता है, किस जंतु में बाहरी निषेचन जो है यहाँ पर होता है, तो वह जलीय जंतु। बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर क्वेश्चन की आगे लैंग्वेज की आगे पीछे हो सकता है, पर हाँ क्वेश्चन हमारा इंटेंशन ये है कि हम जितनी क्वेश्चन आपको याद दिलवा सकें, ये हमारा सबसे बड़ा मेन इंटेंशन है। पढ़ते हैं हम यहाँ पर, साबुन किस अम्ल से बना होता है, तो यहाँ पर पोटेशियम जो यहाँ पर जिन बच्चों ने लगाया है, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर सर एक बार चेक कीजिएगा और उसका सही आंसर जो है उसको नीचे डाल दीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, मतलब कमेंट बॉक्स में से डाल दीजिएगा इस आंसर को ठीक से, क्योंकि पोटेशियम मुझे थोड़ा सा नहीं लग रहा है। चलिए पढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट। यहाँ पर अंडवाहिनी गर्भाशय आदि किस में पाया जाता है, तो अंडवाहिनी गर्भाशय जो है किस में पाया जाता है, महिला। बिल्कुल जिन बच्चों ने लगाया है बिल्कुल ही उनका सही गया है। पढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तरण क्या है, तो तरण यहाँ पर आया था प्लस माइनस बोथ इस प्रकार से, या उदासीन इस प्रकार से आया था। बिल्कुल तरण क्या है, प्लस एक इकाई है, क्या है, मतलब धनात्मक एक इकाई है। चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट। यहाँ पर क्योंकि वेग परिवर्तन की दर ही तरण कहलाती है, तो परिवर्तन होगा तभी तो, परिवर्तन मतलब यानी कि पॉजिटिविटी। सूक्ष्म जीव किस में पाया जाता है, या यहाँ पर एक था सूक्ष्म जीव कोष, ये क्वेश्चन हमें ठीक से प्राप्त नहीं हुआ है। जिन भी प्यारे बच्चों को ये क्वेश्चन प्राप्त होता है या उन्हें सही इसका इसे सही पता है कि ये क्या था, तो हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। पढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो फिलोपन ट्यूब। ये क्वेश्चन जो है अगेन रिपीट हुआ है, जिन बच्चों ने फिलोपन ट्यूब लगाया है बिल्कुल ही सही जवाब है। पढ़ते हैं यहाँ पर श्वास किस नली से फेफड़ों तक जाता है, तो वह श्वास नली है। जितने प्यारे बच्चों ने श्वास नली लगाया होगा डेफिनेटली उनका आंसर जो है सही गया होगा। पढ़ते हैं यहाँ पे, ठोस का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, तो वह हिमीकरण कहलाता है। जितने प्यारे बच्चों ने हिमीकरण लिखा होगा बिल्कुल ही सही जवाब गया होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, भार निषेचन किसमें पाया जाता है, तो भार निषेचन जो है मेंढक के अंदर पाया जाता है। जितने प्यारे बच्चों ने मेंढक लिखा होगा बिल्कुल ही उनका राइट आंसर है। पढ़ते हैं, चलते हुए पिंड, एक पिंड में त्वरण बदली होने पर निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है, तो वहां पर F इजिकल टू जो है, यदि त्वरण बदली हो रहा है तो यहाँ पर F इजिकल टू जो यहाँ पर बदलाव, बल में बदलाव होगा, फोर्स के अंदर बदलाव जरूर होगा। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि उसका गलनांक जो है कम है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन गलनांक कम इज राइट आंसर। अब बढ़ते हैं मैथ्स की तरफ। मैथ्स के 15 क्वेश्चन को हम यहाँ देखेंगे किस प्रकार से हैं। 31 नंबर का प्रश्न था, यहाँ पर चार संख्या का औसत 15 है, तो योगफल क्या होगा, चार संख्या है तो 4 से 15 को गुणा कर दीजिए और आंसर यहाँ पर 60 आ जाएगा। यहाँ पर बड़ा ही फिफ्थ लेवल जो है एक यहाँ पर डाला गया है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सिक्स क्लास में भी हम पहुँचेंगे, एक क्वेश्चन के अंदर छठी क्लास में भी पहुँच जाएंगे हम। बस पढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर अब ये देख लीजिए ये कौन सा है, तो जहाँ पर डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है हर सेम होगा, ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, यहाँ पर 8/11 हो गया। बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 160 सेंटीमीटर का 2 मीटर में अनुपात कीजिए, तो 160 सेंटीमीटर यहाँ 2 मीटर दिया, तो उसे हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे और या 200 मीटर और कट कर दीजिएगा, 4/5 जो है अनुपात आपको प्राप्त हो जाएगा। पढ़ते हैं हम 2, 3 और 8 का जो एलसीएम क्या है, तो देखिए अगेन जो क्वेश्चन है किस प्रकार से, तो यहाँ 24 जो है बिल्कुल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 9.72 को 10 से गुणा करना है। देखिए साहब सिर्फ उसको यहाँ पर उठाकर जो है इसका डेसिमल ही चेंज करना था और डेसिमल यहाँ पर चेंज कर दिया है और 97.2 हो गया है। बढ़ते हैं यहाँ पे 36वें प्रश्न की तरफ। 30% को दशमलव में बदलिए, साथ दशमलव हटेगा तो नीचे बटे में 100 जाएगा और 100 से कटकर यहाँ पर 0 यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट।
40 विद्यार्थियों में से जो 40 विद्यार्थियों में 40 पास हुए हैं तो फेल की संख्या क्या है, तो सब 40 तो पास हो गए हैं तो फेल कितने हुए हैं, 60%। तो 40 का 60% का मतलब क्या होता है, गुणा 60% या निकाल दिया यहाँ पर, तो 4 से 24 बिल्कुल ही सही जवाब होगा। 24% नहीं है, 24 विद्यार्थी यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है, यह हमारा जो प्रश्न है 4999 39%। ए बी का आयु का अनुपात जो है 4:5 है, तो बी की ए की आयु जो है 20 वर्ष है, तो बी की आयु को क्या करना है यहाँ पर, ज्ञात करना है। यहाँ पर 4x = 20, यहाँ पर हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई, x की वैल्यू जो है 5 में रख दीजिए, 5x में आपको 25 यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा। पढ़ते हैं यहाँ पर, एक त्रिभुज का जो वहाँ पर x, 2x, 3x है, तो x का वैल्यू क्या है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है साहब, तो तीनों को जोड़ दीजिए साहब, 180 से यहाँ पर सामने 180 कर दीजिए, 6 को यहाँ ले जाएंगे तो 30 हो जाएगा, तो 30 बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। जितने प्यारे बच्चों ने 30 क्या होगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आयत का परिमाप जो है 3.2 मीटर है, वहाँ पर मीटर दिया गया था, तो चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए, तो लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3.2 मीटर है तो यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर है, तो हमें सेंटीमीटर में पहले चेंज करना है, तो 320 जो है सेंटीमीटर या 2 × लंबाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई जो यहाँ पर हम इस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर माइनस होकर 100 जो आ जाएगा। पढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर अभी छठी का क्वेश्चन है, मैंने आपको इसलिए बोला था कि वो पांचवीं तक के क्वेश्चन थे, अभी छठी का क्वेश्चन जो आपके सामने। यहाँ पर राजू के पास 2 और 5 के सिक्के हैं जिसका मूल्य 78 रुपये है, 2 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के से 4 गुना है, तो वहाँ पर 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, तो 5 के सिक्के हमने मान लिए x, क्योंकि हम 2 के सिक्कों को x नहीं माना, क्योंकि 2 के साथ में क्या है 4 गुना यहाँ जुड़ गया है, 4 गुना जुड़ गया है, तो 5 के सिक्के जो है x हैं, 2 के सिक्के जो है 4x हो गए, दोनों को जोड़ दिया यहाँ पर 5x यहाँ पर कर दीजिएगा, और इस प्रकार से जो है आपको x की वैल्यू 6 मिल जाएगी, और x की वैल्यू आप फिर से यहाँ रख देंगे तो आपको दोबारा ये प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या आया है, यहाँ पर 24 आया है, और 5 के सिक्के कितने आए, 6 आए, तो 4 गुना पता लग गया, 6 का फिर से 4 गुना कीजिए तो 24 आएगा, यानी कि हमारा जो हमने क्वेश्चन किया है, आंसर निकाला है, वह सही है। पढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सरलीकरण में हमारे 3 प्रश्न आए थे, औसत से 2 प्रश्न थे, एलसीएम से 1-2 प्रश्न थे, क्षेत्रमिति से 1 था, चाल दूरी और समय से 1 था, नंबर सिस्टम से 1 था, प्रतिशत से 1 था। यहाँ पर हमको बहुत सारे प्रश्न नहीं मिले हैं, यदि किसी भी बच्चे को प्रश्न यदि याद है तो कमेंट बॉक्स में हमें यहाँ पर लिख दीजिएगा साहब। अब बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर। रीजनिंग से किस प्रकार से प्रश्न आए थे यहाँ पर, तो रीजनिंग से कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न थे यहाँ पर, नंबर सीरीज के 1 क्वेश्चन था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से 1 प्रश्न था, एक पंक्ति में 78 व्यक्ति हैं, रैंकिंग से 1 प्रश्न था, हम यहाँ पर पीछे रैंकिंग नहीं लिखा था मैंने, यहाँ पर रैंकिंग ले देता हूँ, रैंकिंग से 1 प्रश्न था, जो रैंकिंग से मैंने यहाँ लिखा हुआ है, 78 व्यक्ति हैं और 2600 स्थान पर, जो ऊपर से तो नीचे से कितना होगा, तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, 78 में +1 कर दीजिए, या हमारे तरफ से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए और +1 कर दीजिए, आपको वहाँ पर रैंकिंग आ जाएगी पीछे से। चलिए पढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट। पी जी और फिर यहाँ पर खाली छोड़ दिया गया था, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर एम आएगा, दो दो की गैप में आ जाएगा। इस प्रकार से जो है प्रश्न था, मेरे उन सारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी पूरी टीम को यहाँ पर योगेश सर एवं कल्याण सर, शुभम सर, इन सभी टीमों को यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे प्यारे बच्चों को भी जिन्होंने मुझे इस प्रकार से इस बिल्कुल ओरिजिनल पेपर ला कर दिया है। हाँ, शब्दों की त्रुटि जरूर हुई है, पर इंटेंशन हमारा बिल्कुल ही सही है यहाँ पर, उन सभी को धन्यवाद, आप सभी सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत यहाँ पर प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत।